हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मोलर चालकता का सांद्रण के साथ परिवर्तन, यानी हम देखेंगे कि विलयन के सांद्रण में परिवर्तन करेंगे तो विलयन की मोलर चालकता किस प्रकार परिवर्तित होगी। तो हम देखते हैं कि जो विलयन हम यहाँ पे ले रहे हैं उसमें जो विलेय पदार्थ उपस्थित है वो दो प्रकार का यहाँ पे हो सकता है। पहला है प्रबल वैद्युत अपघट्य और दूसरा है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य का अर्थ है कि ऐसे वैद्युत अपघट्य जिनका आयनन बहुत अधिक होता है जबकि दुर्बल का आयनन बहुत कम होता है। तो यानी अगर हम विलयन लेते हैं और विलयन में प्रबल वैद्युत अपघट्य है तो वो पूरा जो पदार्थ होगा वो आयनित हो जाएगा, लेकिन अगर दुर्बल लेंगे तो उस वैद्युत अपघट्य का बहुत थोड़ा ही पार्ट जो है आयनित हो पाएगा और बाकी जो पार्ट है वैसे ही संयोजित अवस्था में रहेगा। तो यहाँ हम पाते हैं कि अगर हम सांद्रता में कमी करते हैं तो फिर चाहे हमारे विलयन में प्रबल वैद्युत अपघट्य हो या दुर्बल वैद्युत अपघट्य हो, दोनों ही केस में विलयन की मोलर चालकता में वृद्धि होती है, यानी ये इसका व्युत्क्रम है। और अगर सांद्रता में हम वृद्धि करेंगे तो मोलर चालकता में कमी आएगी। तो हम देखेंगे कि ये परिवर्तन दोनों में ही होता है, लेकिन ये जो परिवर्तन होता है दोनों में अलग अलग तरीके से होता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए मोलर चालकता का सांद्रण के साथ परिवर्तन। तो इस टॉपिक में हम देखते हैं कि अगर हम कोई विलयन लेते हैं जिसमें विलेय पदार्थ प्रबल वैद्युत अपघट्य है तो हम पाते हैं कि अगर इस विलयन की सांद्रता में हम वृद्धि करते हैं तो हम देखते हैं कि सांद्रता बराबर होता है 1/3 तनुता, यानी सांद्रता और तनुता एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। तो अगर सांद्रता में वृद्धि होगी तो हम कह सकते हैं कि तनुता में कमी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि विलयन की तनुता में कमी करने का क्या अर्थ है। इसको समझने के लिए यहाँ पे हमने एक विलयन लिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि विलयन जो होता है वो विलायक और विलेय से मिलकर बना होता है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें तनुता में कमी करनी है तो इसका अर्थ है कि हमें विलयन में जो विलायक है उसकी मात्रा में कमी करनी होगी। यानी हम देख रहे हैं कि विलेय की मात्रा तो हम उतनी ही रखेंगे लेकिन विलायक की मात्रा में कमी कर देंगे। तो यानी जो अब हमें विलयन मिलेगा उसमें विलायक कम हो जाएगा लेकिन विलेय पदार्थ अभी भी उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो विलेय है वही वैद्युत अपघट्य पदार्थ है जिसका विलयन में आयनन हो रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चूँकि विलयन में प्रबल वैद्युत अपघट्य है और प्रबल वैद्युत अपघट्य का जो है सभी तनुता पे पूर्ण आयनन होता है, मतलब विलयन की तनुता कम हो या अधिक हो उसके जो वैद्युत अपघट्य होगा, वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो होंगे वो पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। यहाँ पे हम विलयन की तनुता अधिक रख रहे हैं तब भी यहाँ पे वैद्युत अपघट्य जो है पूरी तरह से आयनित होंगे, और इस विलयन में जब हम तनुता कम कर दे रहे हैं तब भी हम देखते हैं कि इस वैद्युत अपघट्य, ये जो वैद्युत अपघट्य हैं पूरी तरह से आयनित होंगे। तो यानी इसमें भी उतने ही आयन होंगे और इसमें भी उतने ही आयन होंगे। हम देख सकते हैं कि सांद्रता में वृद्धि करने से या फिर तनुता में कमी करने से आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अगर हम दोनों विलयनों के इकाई आयतन को लेते हैं तो अगर इसमें हम इकाई आयतन लेंगे तो हम देखेंगे कि आयनों की संख्या कम होगी, वहीं अगर हम इसमें इकाई आयतन लेंगे तो आयनों की संख्या अधिक रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि इससे आयनों की संख्या में परिवर्तन तो नहीं होगा लेकिन इकाई आयतन में आयनों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो जिससे हम देखते हैं कि विपरीत आवेशित आयन, जिससे हम पाते हैं कि विपरीत आवेशित आयन जो हैं वो एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, और इन आयनों के पास आने की वजह से इनके बीच लगने वाला जो बल है जिसको हम अंतरा आयनिक आकर्षण बल कहते हैं इसका मान अधिक हो जाएगा। तो अगर आयन एक दूसरे से ज़्यादा बलों से बंधने लगेंगे तो वो आसानी से विद्युत का चालन नहीं कर पाएंगे, इससे उनकी मोलर चालकता में कमी आ जाएगी। अब चूंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि केवल यहाँ पे अंतरा आयनिक आकर्षण बल अधिक हो रहा है, यहाँ पे आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए जो मोलर चालकता में कमी है वो अल्प कमी हो, यानी हम कह सकते हैं कि एक प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए सांद्रता में वृद्धि करने पर उसकी मोलर चालकता में अल्प कमी देखने को मिलती है।
आगे हम प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए मोलर चालकता और सांद्रता के वर्गमूल के बीच ग्राफ बना रहे हैं। तो हम इसमें एक्स अक्ष पे सांद्रता के वर्गमूल को ले रहे हैं और वाई अक्ष पर विलयन की मोलर चालकता को ले रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो ग्राफ प्राप्त हो रहा है वो नीचे की ओर जा रहा है और वाई अक्ष पे हमने विलयन की मोलर चालकता ली है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो ग्राफ मिल रहा है वो नीचे की ओर जा रहा है, जो ये दिखा रहा है कि अगर हम सांद्रता के मान में वृद्धि करेंगे तो हम पाएंगे कि ये जो मोलर चालकता है उसके मान में कमी देखने को मिलेगी। जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि सांद्रता में वृद्धि से मोलर चालकता में कमी आएगी, लेकिन ये कमी जो होगी अल्प कमी होगी, जिसको हम इस ग्राफ से भी देख सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो नीचे तो जा रहा है लेकिन ये धीमी गति से नीचे जा रहा है, यानी जो परिवर्तन हो रहा है यानी जो कमी हो रही है वो अल्प कमी है। और इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो दो तरीके से व्यवहार कर रहा है। जब तक सांद्रता कम थी, जैसे मान लीजिए यहाँ तक जब तक सांद्रता का मान कम था तब तक हम देख रहे थे कि हमारा जो कर्व मिल रहा था, ग्राफ मिल रहा था, वो एक सीधी लाइन थी, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये एक सीधी लाइन हमें नहीं प्राप्त हो रही है। यानी हम कह सकते हैं कि जब तक विलयन की सांद्रता कम थी तब तक लैम्डा एम यानी मोलर चालकता और अंडर रूट सी यानी सांद्रता के वर्गमूल के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा थी, यानी जब तक सांद्रता का मान कम था तब तक ये ग्राफ एक सरल रेखा मिल रही थी, लेकिन जब सांद्रता का मान हम देख रहे हैं कि अधिक हो गया है तो उस कंडीशन में लैम्डा एम और अंडर रूट सी के बीच खींचा गया ग्राफ जो है अब एक सरल रेखा नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विलयन की कम सांद्रता पर विलयन की मोलर चालकता का सांद्रता के साथ परिवर्तन, या फिर हम सांद्रता से बेटर होगा कि तनुता वर्ड का उपयोग करें क्योंकि विलयन के लिए तनुता ज़्यादा उपयोगी होती है। तो हम कह सकते हैं कि विलयन की मोलर चालकता का तनुता के साथ परिवर्तन एक घातता यानी लीनियर होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कम सांद्रता पे इनके बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा है, एक सीधी लाइन है, इसलिए ये हम कह सकते हैं कि परिवर्तन लीनियर होगा। लेकिन वहीं अधिक सांद्रता पे इनके बीच खींचा गया ग्राफ एक सीधी लाइन नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि लैम्डा एम यानी मोलर चालकता और मोलर चालकता का तनुता के साथ परिवर्तन एक घातता यानी लीनियर नहीं है। अब यहाँ पे हम एक बात और समझते हैं। मान लीजिए कि हम अंडर रूट सी और लैम्डा एम के बीच ग्राफ खींचना चाहते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए, तो हम अलग अलग सांद्रता पे लैम्डा एम का मान ज्ञात करेंगे। मान लीजिए इस सांद्रता पे लैम्डा एम का कुछ मान हमें ज्ञात हो जाएगा तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। इसके बाद हम उससे अधिक सांद्रता पे कुछ मान ज्ञात करेंगे, तो इस तरीके से हमें अलग अलग सांद्रता पे यहाँ पे लैम्डा एम का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इससे हम एक ग्राफ खींच सकते हैं इनको मिला के, लाइन को, तो लाइन को मिला के हम यहाँ पे इस ग्राफ कुछ इस तरीके से खींच लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम इस ग्राफ को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से कहीं भी टच करेगा तो हम पाएंगे कि यहाँ पे जहाँ पे अंडर रूट सी बराबर ज़ीरो हो रहा है वहाँ पे हम लैम्डा एम के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम ग्राफ को पीछे की ओर खींच के अंडर रूट सी बराबर ज़ीरो पे लैम्डा एम का मान ज्ञात कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जहाँ पे अंडर रूट सी ज़ीरो है यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। तो अगर C की वैल्यू ज़ीरो है तो हम जानते हैं कि तनुता जो होती है वो सांद्रता का व्युत्क्रम होती है, यानी V इज इक्वल टू 1/C हो जाएगा। तो अगर हम C का मान ज़ीरो रखते हैं यहाँ पे तो यानी कि 1/0 बराबर हो जाएगा अनंत के, यानी जब C का मान ज़ीरो होगा तब वहाँ पे हम कहेंगे कि तनुता का जो मान होगा वो अनंत हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे V का मान अनंत होगा। तो इस तरीके से हमें अनंत तनुता पे मोलर चालकता का मान ज्ञात हो जाएगा और इस अनंत तनुता पे मोलर चालकता को हम लैम्डा एम इन्फिनिटिव से दिखाते हैं। तो इसको हम कहते हैं अनंत तनुता पर विलयन की मोलर चालकता। तो इसी बात को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अंडर रूट सी बराबर ज़ीरो तक ग्राफ को बहिर्वेशित कर, मतलब कि जितना ग्राफ हमें प्राप्त हो जाएगा प्रयोग करके, उसके बाद हम इस ग्राफ को पीछे की ओर खींचेंगे, बहिर्वेशित करेंगे, तो हम वहाँ पे लैम्डा एम इन्फिनिटिव का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सी बराबर ज़ीरो पे मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए ग्राफ को पीछे की ओर ड्रा कर रहे हैं,
क्योंकि इसको हम प्रयोग से नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी हम विलयन की तनुता को अनंत नहीं कर पाएंगे। तो जब विलयन की तनुता अनंत नहीं होगी, यानी वहाँ पे हमें कभी भी लैम्डा एन इन्फिनिटिव का मान प्रयोग से नहीं ज्ञात होगा, इसको हम लोग हमेशा ग्राफ से ही ज्ञात करेंगे। और हम देखते हैं कि ये जो हमें मान मिलेगा, ये मान जो होता है पूरे सांद्रता पे, हम हर सांद्रता पे देखें तो सभी सांद्रताओं में हम देख लें तो सबसे अधिक इसी सांद्रता पे, यानी सी बराबर जीरो पे या फिर अनंत तनुता पे ही इसका मान अधिकतम होता है। तो इस बात को अपने ग्राफ में लिख के हम ग्राफ को कंप्लीट कर लेंगे कि ये पॉइंट होगा लैम्डा एम इन्फिनिटी, यानी अनंत तनुता पर विलयन की मोलर चालकता। अब यहाँ पे हम प्रबल वैद्युत घट के लिए एक समीकरण भी देख सकते हैं, जिस समीकरण को डेबाय हकल आंसिंगर समीकरण कहा जाता है। तो हम देखते हैं समीकरण है लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस बी अंडर रूट सी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लैम्डा एम जो है ये विलयन की मोलर चालकता है सी सांद्रता पर, मतलब विलयन की सांद्रता जब सी होगी तब विलयन की मोलर चालकता जो होगी वही लैम्डा एम है यहाँ पे, और लैम्डा एम इन्फिनिटी जो है अनंत तनुता पर विलयन की मोलर चालकता है, और बी यहाँ पे एक स्थिरांक है।